लोकसभा चुनाव का महाकुंभ देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि देश भर में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इसी कड़ी में अब तक 2 जो चरण हैं उनमें चुनाव हो चुके हैं, संपन्न हो गए हैं। और पहला चरण है वो 19 अप्रैल को संपन्न हुआ है। उसके बाद में अगर दूसरे चरण की बात की जाए तो दूसरा चरण 26 अप्रैल को पूरा हो चुका है। साथ ही अब तीसरे चरण की तैयारियां हैं वो जोरों पर देखने को मिल रही है। जो 84 लोकसभा सीट है उसमें ये चुनाव होंगे, 7 मई को ये चुनाव होने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं पवन शर्मा और आज हम श्याम रंगीला जी हैं जो वाराणसी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हमारे स्पेशल गेस्ट हैं। उनके साथ हम चर्चा करेंगे क्या कुछ उनके मुद्दे हैं, किन चीजों को लेकर वो चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, कुछ इन्हीं चीजों के साथ हम श्याम जी के साथ चर्चा करेंगे। श्याम जी, सबसे पहले तो पंजाब के सी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी श्याम जी, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आपने राजस्थान को छोड़कर वाराणसी से चुनाव लड़ने का फैसला किया है, आखिर क्या रीजन माना जा सकता है? सर मैं चुनाव, पहली चीज तो ये है कि कोई सिर्फ एमपी बनने के लिए वो चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, क्योंकि जो मैं राजस्थान से लड़ता रहा, पहली सबसे उससे पहली चीज ये है कि राजस्थान हो चाहे देश का कोई भी कोना हो, 543 जो सीटें हैं वहां पर पूरा हिंदुस्तान एक है, तो कोई भी जी कहीं से लड़ सकता है। लेकिन राजस्थान से नहीं लड़ने का और वहां से लड़ने का वो बीच में एक कनेक्शन ये नहीं है कि मेरे को एमपी का चुनाव लड़ना था। मेरे को चुनाव लड़ना है वाराणसी से मोदी जी के सामने, जिससे क्या बिल्कुल होगा कि लोगों तक मेरी आवाज पहुंचेगी। और मुझे क्यों मन में आया कि लड़ना है, वो मैंने जब देखा कि भाई सूरत के अंदर सारे कैंडिडेट ने नाम वापस ले लिया, निर्विरोध बीजेपी के कैंडिडेट को बना दिया वहां पे, तो वो चीज मैंने देखी, तब भी मुझे बहुत बुरा लगा। फिर मैंने उस पर कॉमेडी बना करके चलो यूट्यूब पे डाल दी, काम चल गया। फिर मैंने देखा थोड़े दिन बाद इंदौर का भी मुद्दा हो गया, अब इंदौर में भी कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट को उन्होंने ले लिया, तो मुझे लगा कि कहीं बनारस में ऐसा कोई उदाहरण पेश ना करते ये कि भाई ये इनका तो प्रचार रद्द हो गया और इनका ये हो गया और ये तो मोदी जी निर्विरोध बन गए। तो मैंने कहा अगर मैं वहां से लड़ूंगा और मैं ये पूरे देश तक पहुंचाऊंगा कि मैं क्यों लड़ रहा हूँ, तो कम से कम अगर मुझे एक वोट भी आता है तो मेरी जीत होती है। क्योंकि मैं एक वोट से इसलिए जीतूंगा क्योंकि जो एक व्यक्ति मुझे वोट देना चाहता था उसको अधिकार मिला है, ईवीएम पे मेरा नाम है जिसको वो वोट देना चाह रहा है। कम से कम सूरत के लोगों की तरह वो नहीं होगा कि उनका मन है भाई किसी को वोट देने का और वो वोट दे ही नहीं पा रहे हैं। तो मैं हम जो लड़ रहे हैं वो सिर्फ चुनाव नहीं है, वो एक लड़ाई है लोकतंत्र को बचाने की, वोट के अधिकार को बचाने की। जी श्याम जी, 13 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो वाराणसी आ रहे हैं और रोड शो भी करेंगे और 14 मई को वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। क्या श्याम जी की भी ऐसी कोई तैयारियां हैं? देखिए हम एक तो वो जो हम लड़ रहे हैं वो कोई हम कोई युद्ध, मैं युद्ध नहीं लड़ रहा हूँ मोदी जी के साथ में कि मैं बहुत जी सारी बिल्कुल तैयारियां करूं, युद्ध नहीं लड़ रहे हैं हम। हमारे पास कोई हाथी भाला और वो नहीं है, घोड़े नहीं है, कोई सेना नहीं है। मोदी जी के पास हो सकती है सेना, है ही, वो तो IT सेल उनके पास है, लोग हैं, रैलियां हैं, मैनेज करने के लिए सब कुछ है, तो हमारे पास वो तो कुछ है नहीं। हम बना रहे हैं, हम जब आएंगे, हाँ इतना जरूर है कि लोगों का जिस हिसाब से हमें समर्थन मिल रहा है, लोगों के मैसेज आ रहे हैं, लोगों का प्यार मिल रहा है, मुझे इतना तो भरोसा है कि जैसा मैंने सोचा था नामांकन वैसा तो नहीं होगा, उससे तो बहुत अच्छा होगा, उससे तो ज्यादा लोग आएंगे। मैंने तो जो नामांकन हमने सोचा था 10 लोगों के बीच, हमने सोचा था कि 10 लोग तो हम होंगे एटलीस्ट। लेकिन अब जी जो है वो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी इतनी बड़ी रैली नहीं होगी, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ जो लोग है वो अपना सहयोग देंगे और बहुत अच्छा माहौल होगा। तो मोदी जी अपनी रैली करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मोदी जी से हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं है। हम तो हमें दिक्कत वहां से है कि मैं ये चाह रहा हूँ कि जहाँ 10 लोग मोदी जी को वोट देना चाहें तो वहां पे अगर एक बंदा दूसरे किसी को देना चाहे तो वो एक दे पाए, हम हमारा बस इतना है, बाकी हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। श्याम जी, हमारा एक प्रश्न आपसे ये है कि क्या ये आपका दांव है या फिर ये सुनियोजित कोई रणनीति है? दांव तो मतलब मैं मोदी जी को हरा के, कोई ऐसा नहीं है कि मैं हराऊंगा और मेरे को इतना मेरे में पावर है कि मैं मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने नहीं दूंगा। 543 सीटें हैं, वो 400 पार की बात करते हैं हम, मैं ये कहता हूँ वो 450 ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं जी कोई एक गठबंधन का वो नहीं हूँ, कोई एक पार्टी का वो अध्यक्ष नहीं हूँ कि मैं ये कहूंगा कि मोदी जी को 400 नहीं लेने देंगे। अगर देश के लोग 400 देने के लिए सहमत हैं, वोट करते हैं,
तो 500 ले मोदी जी, मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं बहुत बहुत खुश होऊंगा कि वो लोकतंत्र से जैसे 2014 में बने थे वैसे ही 2024 में भी बने। लेकिन जहां पे लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है ना, मजाक हो रहा है ना, वहां पे हमें दिक्कत होती है। वहां पे एक नागरिक के नाते मुझे बहुत पीड़ा होती है, बहुत दुख होता है। तो मैं कॉमेडी बना के सिर्फ वहां पे रह नहीं सकता। मुझे लगता है कि यार ये आवाज अगर मेरी कोई सुन पाए तो मुझे आगे जाना चाहिए। अभी मेरी जगह हमारे गांव का कोई और लड़का लड़ता तो आप कोई उसके पास जाते नहीं, मुझे पता है, क्योंकि 27 लोग पिछली बार भी लड़े थे, इनका नाम हम जानते हैं, किसी का नहीं जानते। मेरे साथ क्या है कि मुझे मीडिया वालों का प्यार हमेशा से मिला है। मैं जब भी मेरे साथ कुछ घटना होती है, कोई केस होता है, तो पूरा मीडिया एकदम मेरे साथ खड़ा रहता है। पेट्रोल पंप वाले मुद्दे में सिर्फ मीडिया ही था जो मेरे साथ खड़ा था, उस वजह से मेरे पे कुछ हुआ नहीं। और उसके बाद नीलगाय वाला मुद्दा था, मीडिया मेरे साथ खड़ा था, मीडिया ने समर्थन किया, सबने एकदम लोगों तक बात पहुंचाई। तो मुझे वो चीज, मुझे मेरी पावर पता थी कि भाई मीडिया मेरे साथ होगा तो मीडिया के जरिए पूरा देश देखेगा। अगर हमें एक, लोग कहते हैं कि 10 वोट नहीं मिलेंगे, जमानत जब्त हो जाएगी, हमारा ये मुद्दा ही नहीं है सर। हम जीतना वहां पे, हमारा वो जीतने का एक लड़ाई नहीं है। हमारी जीतना होता है किसी को तो वो बहुत पहले रणनीतियां तय करते हैं। हमारी जीत वहां पे है जब हमारा नाम ईवीएम में होगा और हमारे को किसी ने एक वोट दे दिया, हमारी जीत वहां पे है। एक भी नहीं दिया तो भी हमारी जीत है, क्योंकि हमारा नाम ईवीएम पे लोगों को हक मिल रहा है, हम पर्चा नहीं उठाएंगे, ये हमारी जीत है। जी बिल्कुल श्याम जी, श्याम रंगीला एक कॉमेडियन में बड़ा नाम शामिल है, एक चर्चित नाम है। तो वाराणसी से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या मुख्य मुद्दे आपके रहेंगे? मुद्दा सर, मुद्दे यही हैं। एक तो मुद्दा मैंने बता ही दिया, जो लोकतंत्र की जो खिलवाड़ लोकतंत्र के साथ हो रहा है। दूसरा मुद्दा ये मेरा पर्सनल भी मुद्दा है, पर्सनल ये कि मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं कला के क्षेत्र में काम करना चाह रहा था, टीवी में काम करना चाह रहा था, सपना भी था मेरा। तो टीवी में 2017 के अंदर लाफ्टर चैलेंज शो आया था, उसमें मैं गया था, परफॉर्म मैंने किया था। उसमें मोदी जी की आवाज थी, तो उसमें कुछ बुरा नहीं बोला हुआ था, मोदी जी की आवाज थी, उसको बैन कर दिया गया था मोदी जी की टीम की तरफ से, दिल्ली से। तो वहां पे मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने कहा नहीं, मोदी जी ऐसा नहीं कर सकते हैं, हम तो मोदी जी के बहुत बड़े भक्त फैन रहे हैं, ऐसा थोड़ी करेंगे, वो उनको ह्यूमर पसंद है, ऐसा नहीं हो सकता है। धीरे धीरे सच्चाई पता लगने लगी कि नहीं, ऐसा ही होता है वो। उसके बाद 2014 के बाद टीवी पे कभी ऐसा शो मैंने देखे नहीं है जिसमें राजनीतिक व्यंग्य चल रहे हो, 2014 से पहले मैंने देखे हैं। तो ये जो जी मुद्दा था ना, ये मुझे, ये मेरी पीड़ा थी। तो ये पर्सनल मुद्दा है मेरा, ये लोगों का मुद्दा नहीं, ये मेरा पर्सनल है। लेकिन हो सकता है किसी और का भी ऐसा ही कोई मुद्दा हो कि भाई अगर रोजगार, आप कोई पढ़ लिख करके नौकरी लगना चाह रहा है तो जरूरी नहीं है मैं पढ़ लिख के नौकरी लगूं। मैं आर्ट आर्टिस्ट हूँ, मेरे में आर्ट है, तो मुझे वहां पे जो है अगर मैं कर रहा था कुछ तो करने दिया जाता, उसमें कुछ बुराई नहीं थी, मैंने कोई अभद्र चीजें नहीं थी, कोई राजनीतिक बातें नहीं थी, आवाज थी, तो वो करने जाते से पहले करते ही थे लोग, मनमोहन सिंह जी करते थे, वो चीजें नहीं हुई। उसके बाद जो पेट्रोल पे वीडियो बनाने के बाद इतना दबाव पेट्रोल पंप पे मालिक पे आ गया कि उनको तेल ही नहीं मिलेगा, वो अगर मेरे पे केस नहीं करेंगे तो उनपे जो है वो उनका पेट्रोल पंप बंद हो जाएगा। ये सब चीजें है ना, ये इनसे फिर मेरा थोड़ा सा और ज्यादा यूं हुआ कि मैंने कहा यार अब मेरे से रहा नहीं जाता। मैं वैसे तो कुश्ती तो मोदी के साथ कर नहीं सकता, मैं लोकतंत्र के हिसाब से लड़ सकता हूँ, तो जी प्रधानमंत्री हैं बिल्कुल हैं, लेकिन लोकतंत्र में जो है हर किसी को लड़ने का अधिकार है, तो हम लोकतंत्र के तरीके से लड़ेंगे। श्याम जी, हम ये जानना चाहेंगे कि अब आप राजनीति में उतर गए हैं, क्योंकि पहले भी आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी और उसके बाद में फिर आपने पार्टी या फिर यूं कहे राजनीति से किनारा कर लिया था। एक बार फिर आपका मन बना है वापस राजनीति में उतरने का, तो परिवार आपकी इस राजनीति को किस वे में देखता है? सर परिवार जैसे पहले देखते थे वैसे ही देखते हैं ना, तो उनको ये पता था जब जब मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी ना, उनको जी ये पता था कि मैंने ज्वाइन कर लिया, उनको ये भी सूचना बाद में मिली, फोन पे मिली। और जब पेट्रोल पंप का मुद्दा हुआ था तब भी उनको ये नहीं पता था कि मैंने कौन सा वीडियो बनाया, कहाँ डाल दिया, क्या कर दिया है। और जब नील गाय वाला मुद्दा हुआ तब भी उनको नहीं पता था, जब मैं अक्षय कुमार के साथ शो में था तब भी उनको नहीं पता था। उनको चीजें पता ही बाद में लगती है। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही सीन है, मैं पहले सुनियोजित चीजें कर नहीं सकता हूँ कि मैं 2 दिन बाद ये करने वाला हूँ, वो हो चलती रहती है चीजें। तो अभी कल ही इनको पता लगा है कि हाँ ये चीज, जो मीडियम आई, उन्होंने स्टेटस ही देखे हैं, किसी की स्टोरी देखी है, कहीं न्यूज किसी ने पढ़ी है तो उनको फोन किया, तभी इनको पता लगा है, बाकी इनको कोई पता नहीं लगा है। और इन्होंने, इनको ये देखते कैसे हैं, ये ऐसे ही देखते हैं कि अब जो हमने निर्णय लिया है उसके निर्णय में ये साथ में है, जो निर्णय लिया होगा अच्छा लिया होगा। श्याम जी, आप बहुत अच्छी मिमिक्री कर लेते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर एक फिल्म भी आई थी, क्या फिल्म जगत से जुड़े हुए लोगों से आपके पास कोई पोल भी आया था कि, क्योंकि निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री के ऊपर फिल्म बन रही है तो उनकी जैसी एक आवाज का भी लोग जो सुनना पसंद करते हैं, तो क्या फिल्म जगत से जुड़े हुए जो प्रोड्यूसर हैं वगैरह उनका कोई फोन वगैरह या फिर आपसे उनसे वो लोग आपसे कोई संपर्क साधे हैं कि आप यहाँ आइए फिल्म में काम कीजिए? नहीं, मेरे साथ ऐसा तो कभी हुआ नहीं कि मोदी जी की कोई फिल्म हो और उस पे मैं डबिंग करूं। मैंने एक डबिंग करी है, जब शाबाश मिट्ठू जो मूवी आई थी तापसी पन्नू की, तो उसके जी अंदर एंड के अंदर एक सीन है जिसमें वो हारते हैं, फाइनल मैच हार जाते हैं क्रिकेट, तो वहां वो एयरपोर्ट से निकल रहे होते हैं, तब मोदी जी का फोन आता है उनके पास में। तो वो जो है मैंने डबिंग वहां पे की थी, वो एक ही डबिंग की थी मैंने बॉलीवुड में, और उसमें वो मोदी जी बोलते हैं कि तापसी जी आपने भले ही मैच ना जीता हो लेकिन दिल आपने पूरे देश का जीता है। तो ये लाइन थी वो मैंने उस टाइम डब की थी। श्याम जी, हम आपसे एक प्रश्न ये भी जानना चाहेंगे कि आप मिमिक्री राहुल गांधी की आवाज में भी करते हैं, तो वाराणसी को ही आपने चुना है, रायबरेली को नहीं चुनने का कोई कारण? सर, रायबरेली को मैं तब चुनूंगा, मुझे लगता है कि अगर अगले 5 साल में राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन जाते हैं और राहुल जी गांधी जी भी ऐसे ही कोई काम कुछ करेंगे तो फिर मैं रायबरेली भी चुन लूंगा। अभी मैं रायबरेली क्या चुनूंगा, मतलब उन्होंने राहुल जी ने अमेठी छोड़ दी है, तो मुझे तो ये लगता है कि हार वही मान ली है कि जहां पे आप छोड़ देते हो ना रन वही हार मान लेते हो, पूरा मनोबल डाउन होता है कार्यकर्ताओं का। तो ये अब रायबरेली से लड़ेंगे वो, तो रायबरेली से तो वो ऑलरेडी वहां पे सेफ होने के लिए जा रहे हैं, तो मैं उनको क्यों डराऊं भाई, जी जाकर तो के उनको फिर डराने का क्या आपको मतलब है जब वो मिमिक्री ऑलरेडी। के सामने आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? जी कुल मिला के आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मोदी जी के सामने चुनाव लड़ना है, वाराणसी से चुनाव लड़ना है, हमारा यही मकसद है। हम कहीं और कहीं से लड़ना होता तो फिर हम राजस्थान में कहीं से देखते, या हो सकता है कि कोई पार्टी हमें संपर्क करती, कोई गठबंधन से लड़ते, हमें इंडिपेंडेंट जी लड़ने की भी जरूरत नहीं थी। अब अजय राय जी वहां पे कांग्रेस से हैं, अब हम उनको बोले कि अजय राय जी आप हमें लड़ने दीजिए, तो वो फिर वो मजे वाली बात नहीं है। वो तो इंडिपेंडेंट हम लड़े, आजादी से लड़े, और हमारा मकसद जो है वो वोट इकट्ठा करके मोदी जी को हरा कर यूं करके, वो मकसद नहीं है हमारा। हम तो लोकतंत्र के लड़ेंगे, उसमें मेरे विचार अगर किसी को सही लगते हैं, मेरे विचारों से अगर कोई सहमत होता है तो हो सकता है मोदी जी से ज्यादा वोट मुझे दे दे लोग, लेकिन लोगों की सहमत होने पर डिपेंड करता है ये चीज। आपने कहा है मोदी जी से ज्यादा वोट आपको मिल जाए, सपोज मान लिया जाए कि आप वहां से विजय हो गए, तो आप जनता के बीच में जाके क्या कहेंगे? जनता के बीच में जाकर के मैं यही कहूंगा कि भाइयों बहनों, आवाज में उन्हीं की कहूंगा कि भाइयों बहनों, मैंने कहा था कि ज्यादा से ज्यादा मेरा ये क्या कर लेंगे जी, बनारस की जनता ने आज श्याम रंगेला को जो जिताया है, मोदी जी ने पहले ही कहा था कि मैं तो फकीर आदमी हूं, झोला उठा करके चल दूंगा जी, तो मुझे तो लगा था कि श्याम रंगेला झोला उठाएगा, लेकिन आपने तो असली झोला उठवा दिया जी। तो यही सब चीजें हैं। बहुत खूब श्याम जी, हम आपसे ये और जानना चाहेंगे, अब ये कॉमेडियन से जुड़ा हुआ है, डीप फेक और एआई का जमाना है, तो क्या लगता है आपको कि मिमिक्री, क्योंकि ये डीप फेक और एआई तकनीक है, वो एक आवाज वगैरह और फेस वगैरह सबको एक अपने उसी अंदाज में पेश करता है, तो क्या मिमिक्री को लेकर किसी तरीके का कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल सर, वो मैं भी उतना ही घबराया हुआ हूँ जितने मीडिया के लोग भी घबराए हुए हैं कि जिस हिसाब से एआई आया है, एंकर भी एआई बन जाएंगे, वॉइस भी एआई चल जाएगी, टाइप करना होगा, टाइप भी एआई से हो रहा है आजकल, तो सबटाइटल वगैरह, सब लोग जी घबराए हुए हैं एआई से, सब लोग डरे हुए हैं। लेकिन एआई के साथ में हम कैसे, जैसे होता है ना कि मैच कैसे कर सकते हैं, कि यार एआई के साथ में मिल के काम कैसे कर सकते हैं, वहां पे जाकर के कुछ ठीक माहौल बनेगा। नहीं तो अगर ऐसा हुआ कि एआई जो है वो ही सारा काम करने लग गई तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगा मामला। अब आप देखिए, गाने मैंने 2014 के बाद मोदी जी के बाद में गाने गाने की बहुत कोशिश करी थी, लेकिन वो कभी हो नहीं पाई थी कि मोदी जी कैसे गाएंगे, वो कभी हो नहीं पाया था, लेकिन एआई ने वो काम किया। एआई के अंदर आज मोदी जी की आवाज में गाने हैं, आज किसी की आवाज में गाने आप डब कर सकते हो, उसमें एआई में आवाज किसी की निकाल सकते हो। तो अब इसके यूज पे डिपेंड करता है कि यूज जो है वो इसका कैसे किया जाएगा।
कोई अच्छे वे में किसी का यूज हो तो बढ़िया बात है। बाकी जो मिमिक्री आर्टिस्ट हैं उन पे तो 99.99% डर ही है। सब आने वाले जो मिमिक्री आर्टिस्ट है वो एआई को देखेंगे तो करेंगे ही नहीं। श्याम जी, क्या मिमिक्री को लेकर लोग ज्यादा संवेदनशील हो गए हैं? क्योंकि आपके ऊपर इस तरीके से जो मुकदमे वगैरह देखने को मिले हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? संवेदनशील है ही लोग, ज्यादा ऐसे हो नहीं गए हैं, हमेशा से ही थे। कोई लोगों को बुरा लग जाता है, गांव के अंदर कुछ लोग होते हैं जो किसी की नकल करो तो अच्छा मानते हैं कि यार ये देखो कितनी बढ़िया नकल करता है उसकी। कोई उस चीज को बुरा मानता है कि नकल करनी अच्छी बात नहीं होती है, बुरी बात होती है। तो सब लोग जो है, लोग अपने अपने तरीके के होते हैं, संवेदनशील भी होते हैं। अब सोशल मीडिया आने के बाद ऐसा हो गया कि किसी की आवाज अगर हम निकाल रहे हैं तो वो एकदम से, आज मैंने अगर वीडियो डाला है तो वो कल पूरे देश में पहुंच जाएगा, लोग अपने रिएक्शन देंगे। रिएक्शन तो वही है, अब फिर एरिया ज्यादा फैल गया है पूरा देश, और चीजें जो है रिएक्शन जो है फोन के अंदर आने लग गए हैं। फर्क इतना ही है, संवेदनशील वैसे जितने थे उतने ही है। और फर्क मेरे साथ ये है कि मेरे को कमेंट आते हैं लेकिन मैं कहीं बाहर जाता हूं तो मुझे आज तक किसी ने ऐसे पकड़ा नहीं है कि तूने ऐसा क्यों किया, तूने ऐसा क्यों बोला, ऐसा मेरे साथ कभी हुआ नहीं है। तो जो कमेंट आते हैं वो उनकी आजादी है, वो उनके पास इंटरनेट है, वो लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है मुझे नहीं लगता। क्योंकि अगर वो नहीं लिखेंगे ना, उनको लिखने की, अगर मैं कमेंट की आजादी बंद कर दूंगा, कमेंट को डिसेबल कर दूंगा, तो लोग जो है, हो सकता है कल को मैं मिले, मैं कहीं मिलूं तो मेरे से वो बात करें कि तुमने यूं क्यों किया था। उनका थोड़ा सा गुस्सा है ना, वो कमेंट लिखने से निकल जाता है, और हमें, हमारा पढ़ने से कुछ वो होता नहीं है कि हम पढ़ लेते हैं बस। तो श्याम जी, हमारे दर्शकों को आप एक दो जो आपके फेवरेट हैं उनकी एक दो जनों की मिमिक्री करके सुनाएंगे? बिल्कुल, देखिए अब मैंने ये चीज बताई थी कि मैं बनारस जाऊंगा, और बनारस जाऊंगा तो बनारस वासियों को मोदी जी के अंदाज में, मोदी जी जो है ना वो कैसे बोलेंगे, दिमाग भी अगर मोदी जी का होगा तो मोदी जी यही कहेंगे कि जैसे मैं पहली बार जा रहा हूँ, तो मोदी जी अगर मेरे अंदर आएंगे और मैं पहली बार जाके बनारस बोल रहा हूँ तो यही बोलूंगा कि भाइयों बहनों, मेरा तो बनारस से पुराना नाता रहा है। बनारस लोग कह रहे हैं मैं पहली बार आया हूं, मैं बहुत पुराने समय से बनारस से जुड़ा हुआ। जब मैं बचपन में था तो मैं गाना सुनता था, खई के पान बनारस वाला, तब से मेरा बनारस से नाता रहा है। और राहुल जी अगर बोलेंगे ये दोनों चुनाव देख करके, रंगीला वर्सेस मोदी, तो यही कहेंगे कि देखिए भैया देखिए, मैंने ये चुनाव देखा, वाराणसी में टक्कर देखी, मैं यही कहूंगा कि मजा आया, और ये मजा मैं पूरे हिंदुस्तान को देना चाहता हूं, लेकिन मैं रायबरेली से लड़ूंगा भैया। तो यही है, दोनों बहुत फेवरेट है मेरे, लोगों के भी फेवरेट हैं। जी श्याम जी, एक कॉमेडियन के नाते आप आमजन को क्या संदेश देंगे और अपने साथियों को क्या संदेश देंगे? साथियों को यही संदेश दूंगा, साथी जो हमारे और साथी कॉमेडियन है वो बहुत, मैंने कई बार उनसे बात करी तो बहुत 99% लोग ऐसे हैं जो कॉमेडी में कभी राजनीति इंक्लूड नहीं करना चाहते हैं, मतलब ऐसे बोलना ही नहीं चाहते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि कंटेंट में नहीं कर रहे हैं, कुछ भी किसी का ओपिनियन भी नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि बस राजनीति से दूर रहें। लेकिन कई बार मुझे लगता है कि जो राजनीति है ना, यही देश बनाती है। ये जो आप शो करते हो, कॉमेडियन जो शो करते हैं, कोई शो करते हैं, वो पैसे लेते हैं, बढ़िया जीवन यापन करते हैं, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पाता हूँ। मैंने बहुत कोशिश करी है कि हम नॉर्मली कुछ कर लें, लेकिन मुझे वो लगता है ऐसा कि ऐसा हो नहीं पाएगा। मुझे लगता है कि यार नहीं, ऐसा नहीं है, हमें कुछ करना चाहिए, देश के लिए कुछ करना चाहिए, या देश में जो हो रहा है उस पर आवाज उठानी चाहिए। तो मैं जो हूँ वह मैं कर लेता हूँ ऐसा। तो संदेश मैं यही दूंगा कि भैया देखो, आप अपनी इच्छा है, लेकिन आप, आपके मन में अगर ऐसा कुछ हो तो आप कर सकते हो, दिक्कतें बहुत आएंगी। ये मैं भी बोल सकता हूँ कि दिक्कतें बहुत आती है राजनीतिक चीज में, दिक्कतें बहुत आती है, शो भी बंद हो जाते हैं, कम मिलने लग जाते हैं, दिक्कतें आती है, लेकिन करना पड़ेगा, अगर ऐसा कुछ है तो फिर उतरना पड़ेगा। जी श्याम जी, आपके साथ क्या हुआ है? कॉमेडियन में राजनीति हुई है, फिर राजनीति में कॉमेडियन हुआ है? बिल्कुल सर, कॉमेडी थी मेरी, मैं कॉमेडियन था, उसमें राजनीति हुई 2017 में, फिर 19 में हुई जब पेट्रोल पंप वाला वीडियो बनाया, फिर ये बाद में भी हुई, होती रही। अब जो है, मेरे को साइड भी कर दो तो राजनीति को अगर देखें तो उसमें कॉमेडी हो रही है,
कि भैया चंडीगढ़ में मेयर आपने वो बनाना है, फर्जी काम करने हैं, सूरत में आपने बिल्कुल ही एकदम कॉमेडी बना देनी है। तो जब राजनीति में कॉमेडी हो रही है और कॉमेडी में राजनीति हो रही है, तो मैंने कहा दोनों को मिक्स करते हैं, फिर कॉमेडियन को ही राजनीति में चलना चाहिए, कम से कम खुल के तो कॉमेडी हो, लोगों को तो मजा आए। श्याम जी, आपको लगता है कि वाराणसी में सूरत, इंदौर और चंडीगढ़ जैसी घटना दोहराई जा सकती है? सर देखिए, मैं जो है अगर एक्सपेक्ट करता कि ये सूरत में होगा तो मैं सूरत से पर्चा भर देता। मैं अगर मुझे लगता कि ये इंदौर में ऐसा कुछ होगा, इंदौर में मैं बोल देता कि भैया ऐसे बंदों को आप मत लाओ, कांग्रेस वालों, इंडी गठबंधन वालों, जो आपके आप मतलब भरोसे के लायक ही नहीं है। कोई ऐसा कंट्री, आप सोच के देखिए देश के लोकतंत्र के लिए कितनी कितनी बुरी बात है। 543 लोग हैं इनके, उसमें से दो लोग जो हैं वो बीजेपी में से, मतलब दो पार्टियां, एक पार्टी का दूसरी पार्टी में चला गया बिना चुनाव के। तो ये डराने वाली बात है, मतलब ये नहीं है कि जीत गए पर ठीक है, लोकतंत्र उसकी तो हत्या है ना। तो मुझे जहां तक लगता है कि अगर मुझे पता होता ऐसा कुछ तो वो अलग चीज होती है। मुझे किसी सीट का पता नहीं है कहाँ क्या होगा, वाराणसी का मुझे पता है, वहां मोदी जी लड़ेंगे, वहां मैं जाऊंगा, वहां कुछ नहीं होने दूंगा। श्याम जी, आजकल एक दौर सा, या फिर यूं कहें कि प्रचलन चल गया है कि अभिनेता अब नेता बन रहा है, क्योंकि राजस्थान की अगर बात करें तो दीपक मीणा है, जो पन्ना सेपट के नाम से जाना जाते हैं, वो भी अभी विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपना भाग्य आजमाया है। लोकसभा चुनाव में भी कई ऐसे अभिनेता हैं जो अब नेता बनने की तैयारी कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस चीज को लेके? नहीं, बहुत बढ़िया है, मैं कह रहा हूँ। अगर मैं इस चीज के विरोध में नहीं हूँ कि कोई, हर किसी को अधिकार है सर लड़ने का। अगर कोई ये बोलता है कि मैं लड़ूंगा और मेरे को लोग वोट देंगे और मैं जीतूंगा और ये काम करूंगा, तो बिल्कुल लड़िए, लोगों पे डिपेंड करता है। वो जो इंसान लड़ने वाला है ना, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, उसका वही हक है, वो बटन जो है उसका बराबर में आ रहा है। जहां पे नरेंद्र मोदी का बटन होगा वहीं पे दूसरे का बटन होगा, वो लोगों पे डिपेंड करता है कौन किसका बटन दबाता है। तो ये अगर मिला क्या दीपक मीणा या कोई और लड़ने वाला है, उसको मिला क्या है वोट लड़ने से, क्या मिला है उनको? जो मिला है ना, उनको सेटिस्फेक्शन मिला है कि हाँ भैया हमने कोशिश करी, हम गए वहां पे, हम उतरे, जीते नहीं जीते वो बाद की बातें, परिणाम जो है वो अलग है, लेकिन हमने कोशिश तो करी। एटलीस्ट घर पे तो नहीं बैठे, अगर उनका मन है लड़ने का तो लड़े, ऐसे फ्री में भी तो नहीं लड़ा जाता कि चलो निकल गए लड़ लिए एकदम, जैसे इस पे फार्म भरा ऑनलाइन हो गया। बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत चीजें होती है, और जब ये कोई करता है तो जीत हार देख करके नहीं करता है, वो बाद की बातें होती है। कईयों को पता होता है कि भैया क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी वो लड़ते हैं, लड़ना जरूरी है। तो अभिनेता हो, अभी कुछ अभिनेता की जहां पे बात आती है, तो आप जी ऐसे ऐसे भी अभिनेता है जिनको पता है कि हम जीतेंगे, जिनको पता होता है हम जीतेंगे ही जीतेंगे, वो होते हैं मुंबई वाले। अब दीपक की बात करी, या आप मुझे ले लीजिए या किसी और को ले लीजिए, हम जो है ना मुंबई वाले नहीं है, हम तो यहीं के बंदे हैं और यहीं लड़ते हैं, और हमें पता है कि हमारी जीत कोई निश्चित नहीं है। लगाएंगे जोर तो हो सकता है थोड़े बहुत वोट आ जाए। धर्मेंद्र, अपने सनी देओल, हेमा मालिनी, ये देखिए आप इनको देखिए, तो ये जो अभी कंगना, तो ये जो है ना, ये है जो जिनको यूं लगता है कि भैया जीत श्योर है हमारी, और ये ऐसे लोग हैं जो आते हैं, लड़ते हैं, फिर जाते हैं, बस इनका कोई मतलब नहीं होता। तो इनको वो आजाद, वो इनकी थोट नहीं है कि हमने चुनाव लड़ना है, इनको इनकी थोट ये है कि भाई एक सीट निकालनी है, बात खत्म है। तो श्याम जी, अंत आखिरी सवाल हमारा आपसे ये है कि आप, आपके जो समर्थक हैं और जो आपको चाहने वाले हैं, उनको और जो हमारे दर्शक हैं, उनको क्या संदेश देंगे? चाहने वालों को मैं यही संदेश दूंगा, और आपके दर्शकों को भी, आपके दर्शक भी हमारे चाहने वाले ही हैं, तो सबको जी मैं यही संदेश दूंगा कि भैया मैं जो लड़ने जा रहा हूँ वो एक लोकतंत्र और वोट के अधिकार को बचाने की लड़ाई लड़ने जा रहा हूँ, और इसमें कोई भाला छुरी लेकर के, तलवार लेकर के नहीं लड़ना है। इसमें सिर्फ मुझे वहां पे नामांकन दाखिल करना है, ईवीएम में नाम दर्ज कराना है और वहां के लोगों से संपर्क करना है, बस यही मेरी लड़ाई है। और उसका परिणाम जो भी हो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मैंने मेरे दिल में इच्छा थी वो मैं पूरी करूंगा, और आप सबका साथ और सहयोग वैसे ही चाहिए जैसे हमेशा मिलता रहा है। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्याम जी, आप जुड़े पंजाब केसरी के साथ में। साथ ही आपको बता दें कि
आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा दर्शकों, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि हमें आपके जो कमेंट का इंतजार रहेगा। साथ ही आपको बता दें कि पंजाब केसरी के साथ श्याम रंगीला है, वो जुड़े और उन्होंने अपने विचार और अपने जो विचारों की लड़ाई है वो साझा की है। साथ ही आपको बता दें कि वो वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने चुनाव लड़ने जा रहे हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।